बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सुपौल लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय ही वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जिसमें करीब 5 लाख नौकरी दी जा चुकी है और 5 लाख नौकरी एक साल के अंदर ही दे दी जाएगी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए राजद कार्यकाल की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि पहले बिहार में कुछ नहीं था, आज सड़क बन रही है तो घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए लोगों को सचेत भी किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनके झांसे में नहीं आना है। हमारे लिए तो बिहार के लोग परिवार हैं। उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, वो सिर्फ अनगिनत बयानबाजी करते रहते हैं। उन लोगों ने विकास किया है तो सिर्फ अपने परिवार का। पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अब बेटा और बेटियों को भी सेट करने में लग गए हैं। सुपौल लोकसभा से एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के पक्ष में आयोजित सभा में नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि हम लोगों ने प्रदेश में जातीय जनगणना करवाई, केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया जा रहा है। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने बेगूसराय में एनडीए के पक्ष में प्रचार किया। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हमेशा भाजपा के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो खुद हटेगा तो बीवी को बनाएगा, बेटा बेटी को बनाएगा, लेकिन भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश के सामने मंच से माफी मांगते हुए कहा है कि अगर कोई गलती हुई होगा तो उसे माफ करेंगे और नरेंद्र मोदी को पीएम जरूर बनाना है, यही प्रार्थना करता हूँ। दरअसल बेगूसराय के बछवाड़ा रेलवे मैदान में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लिए चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 95 था, बीच में एक दो बार हम इधर उधर कर दिए, बड़ा गड़बड़ किया तो हम हटा दिए, अब हम चेक कर लिए हैं कि अब हम सब दिन भाजपा के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि लोग क्या काम करता था देखते नहीं है, एक भी काम नहीं किया है, 2005 तक रहा उसके बाद उसको हटा दिया, तो उसके बाद भी बीवी को बना दिया, पत्नी को बनाया, बेटी को बनाएगा, बेटा को बनाएगा, यह हाल है कांग्रेस का भी, वह भी परिवारवाद करता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं होता है, हम लोगों में भी कोई परिवार का नहीं बनता है, हमने अपने परिवार को सामने नहीं किया है, हम पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, आपको सबको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। यह लोग कुछ काम नहीं किया है, पहले शाम में कहीं घर से नहीं निकलते थे, 2005 तक सभी को दिक्कत होती थी, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही थी, स्वास्थ्य का भी कोई इंतजाम नहीं था, सड़क पुल पुलिया का भी कोई काम नहीं हुआ था। गिरिराज सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी को कौन कौन प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं हाथ उठाइए, मुझे हो सकता है मुखिया जी की कोई गलती हो गई होगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर बनाना है, यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। नीतीश कुमार इन दिनों चुनावी सभा के लिए प्रचार प्रसार करते खुलकर नजर आ रहे हैं, हर तरफ बीजेपी की तारीफ और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।